नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बिलियन कैप्चर प्लस के बारे में और एमआई के A1 के बारे में, और देखेंगे कि कौन में दोनों में से आपके लिए कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें स्क्रीन की, तो एमआई A1 में आपको मिलती है 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, वो भी गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ। तो दूसरी ओर यदि हम बात करें फ्लिपकार्ट के बिलियन कैप्चर प्लस के बारे में, तो उसमें आपको मिलती है 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले ड्रैगन टेल ग्लास के साथ, जो कि आपको स्क्रैचेज और ब्रेकेज से जो प्रोटेक्शन देती है, और काफी बढ़िया जो है ग्लास माना गया है ये। उसके बाद दूसरी हम यदि हम बात करें कैमरा के बारे में, तो MI A1 में मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल के दो ड्यूल कैमराज, और फ्लिपकार्ट में मिलते हैं आपको 13 मेगापिक्सल के दो ड्यूल कैमराज, जो वो भी रियर साइड पर। फ्रंट में यदि हम बात करें तो MI A1 में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फीज के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी के साथ आता है, आप देख सकते हैं। और यदि हम बात करें फ्लिपकार्ट के बिलियन कैप्चर प्लस के बारे में, तो उसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि MI A1 से बढ़िया है। तो कैमरा के मामले में जो फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर प्लस है वो MI A1 को पछाड़ देता है। उसके बाद आगे यदि हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है MI A1 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और एड्रीनो 506 के GPU के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर माना गया है, बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। फ्लिपकार्ट बिलियन कैप्चर प्लस में भी आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन का 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और दोनों में ही सेम है, GPU भी दोनों में ही सेम है। उसके बाद आगे यदि हम बात करें डिज़ाइन के बारे में, तो बैटरी और चार्जिंग के यदि हम बात करें, तो अभी इसकी बैटरी कैपेसिटी का हमें पता नहीं है, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और फास्ट चार्ज जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स इसके साथ में मिलेगा। वहीं यदि हम बात करें MI A1 की, तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, और 3080 mAh की बैटरी के साथ आता है, और काफ़ी बढ़िया जो है बैकअप देता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग की इसमें कमी ज़रूर है। सेंसर की यदि हम बात करें, तो इंफ्रारेड सेंसर को छोड़कर फ्लिपकार्ट के मोबाइल में आपको सारे सेंसर जो है मिल जाएंगे। उसके बाद आगे यदि हम बात करें बैटरी 3080 mAh की, हमने आपको टाइप सी, दोनों ही में टाइप सी USB कनेक्टर है। रैम और स्टोरेज की यदि हम बात करें, तो फ्लिपकार्ट का मोबाइल 4GB 64GB वर्जन में आता है, जो कि 13,000 रुपये का है, जो कि आपको MI A1 से 2,000 रुपये कम कॉस्ट करेगा, और 3GB 32GB वाला 11,000 रुपये का है। वही MI A1 जो है वो आपको मिलता है 4GB 64GB वाले वर्जन में, जिसका कॉस्ट 15,000 रुपये है। उसके बाद यदि हम फ्लिपकार्ट वाले मोबाइल की बात करें, तो उसमें आपको फुल मेटल बॉडी मिलती है, टाइप सी कनेक्टर है, और फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको साथ में मिल जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें फाइनल वेरिएंट की, तो फ्लिपकार्ट जो मोबाइल है वो पूरी तरह मेड इन इंडिया है। जी हाँ, उसका हर एक पार्ट भी इंडिया में बना है, और पहला मोबाइल है जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है, और फ्लिपकार्ट जो कि एक इंडियन कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और प्राइस की यदि हम बात करें, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है। MI A1 से ये आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस देकर एक बढ़िया प्राइस देता है, और आपके 2,000 रुपये जो है बचा देता है। यदि आप रैम के साथ थोड़ा संतोष कर सकते हैं, तो ये आपके 4,000 रुपये भी बचा देगा। तो हमारी यदि राय मानी जाए, तो फ्लिपकार्ट का मोबाइल आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसका लिंक आप